बैटलैंड में रहता हूँ। सुबह में मेरी वाइफ की डिलीवरी का टाइम था तो नूर हॉस्पिटल में हम लोग सजेस्ट कर रहे थे जैसा हमेशा की तरह पास फिफ्थ डिलीवरी हमारी वाइफ की वहीं पर थी। हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे हमारी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल सही थी 100%, बच्चा भी सहमत पैदा हुआ। लेकिन हॉस्पिटल डिलीवरी हो गया, ऑपरेशन से हुआ मसला, उसके अंदर क्या बोलते फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन था। जब से उनकी तबीयत को क्या हो गया कि सर्जरी में क्या गलती करेगी वो लोग, फिर 3 घंटे तक ऐसी हम लोगों को मुसलसल फिराते गए, ना बच्ची से मिलने दिए ना किसी से मिलने दिए। फिर उसके अंदर डॉक्टर डायरेक्टली उनकी मर्जी से ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम गुड़ी मलकापुर के करीब में सजेस्ट करें कि वहाँ पर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे अपन बच्ची को लेके आके, वहाँ पर सही होगा कंडीशन बोल के बोले लेके आके। इधर भी सेम वैसी डॉक्टर के साथ लेके आए, ब्लड मंगाए, दुनिया का ब्लड मंगाए, 75,000 का ब्लड मंगा लिए। बाद में अभी बताते बोल के बच्ची को बता रहे भी नहीं। फिर फाइनली 12:30 के टाइम पे बोल दे रहे कि बच्ची वेंटिलेटर पे सांस पे है, अब टोटली बीपी डाउन है उनका और हार्ट बीटिंग हाई है, अब कुछ भी नहीं कर सकते बल्कि हाथ उठा दिए लोग। अब हम लोग जब डिलीवरी के टाइम पे लेके गए थे, जब सेहत कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और बच्चा भी अच्छा सेहतमंद पैदा हुआ। अब नूर हॉस्पिटल से आप क्या बोल के शिफ्ट करें? नूर हॉस्पिटल में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, ब्लीडिंग नॉर्मल है बोल के ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद क्या इधर बोलो उनको बोलो, क्रिटिकल कंडीशन में थे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही बोल के यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा जाना बोल के बोले, तो ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे लेके आए। डॉक्टर डॉक्टर अर्जुमन के हाथ से हुई ये सर्जरी पूरी। फिर उसके बाद यहाँ पर लेके आए मेहदीपट्टनम के पास जो ब्लिस हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर हनीफ के हाथ पे हुई थी सर्जरी। 3-4 घंटे उधर फिर आए, 3-4 घंटे इधर फिर आए, आखिरी में फाइनली बोल रहे आजम डॉक्टर क्या है? अभी बच्चे की सेहत कैसी है? अभी बच्चे की बॉडी के ऊपर गैर जरूरी निशाना है, उसके ऊपर पूरे बॉडी का कलर पूरा ब्लैक हो गया उसके ऊपर। कुछ ना कुछ बोला सर्जरी में जब बच्ची का डिलीवरी था जब भी फॉल्ट में करे कुछ ना कुछ। ये ऑपरेशन से हुई डिलीवरी? हाँ फिर डिलीवरी ऑपरेशन से ऑपरेशन। बच्चे की सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है बच्चे की सेहत। तो अभी आप अभी कंप्लेंट दे रहे हैं इसके ऊपर? कंप्लेंट देना है पुलिस से, क्या बोलते हैं उम्मीद है भरोसा है कि कुछ ना कुछ सही फैसला होगा हमारे हाथ में। हबीब नगर और आसिफ नगर की पुलिस, आसिफ नगर हबीब नगर जी, ये दोनों वहाँ है। आसिफ नगर पे कौन सा हॉस्पिटल? आसिफ नगर में अंडर आसिफ नगर में आता और नूर हॉस्पिटल हबीब नगर के अंडर में आता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख इरफान है। कहाँ रहते हैं? मल्लेपल्ली ए बैटलियन जी। आज कब करे थे उनको एडमिट? आज सुबह में 8:30 सुबह 8:30 को मॉर्निंग सुबह 8:30 को किया। आप ट्रीटमेंट वही हो रहा था उनका शुरू से? वहीं पर बता रहे थे कंटिन्यू ट्रीटमेंट था, दोनों वाइफ और बच्चे की कंडीशन अच्छी है बोल के बोल रहे थे हमेशा जब भी गए। अच्छा फाइनली वहीं पर लेके आए, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। कितने बजे हुआ ऑपरेशन ये? 12:30 के दरमियान में हुआ। ब्लड चढ़ाए वो चढ़ाए ऐसा? वहाँ पर तो ब्लड चढ़ाया बोल के बोले, लेकिन कंडीशन पूरी टोटली वहाँ पे कोलैप्स हो गए। कितने पैकेट मंगाए आपसे ब्लड? हुआ टोटल फिर जाके 2 लॉन्ग बोले ब्लड के बॉटल्स हम लोग फिर लेके आए, जाके जाके फिर लेके आए। बात क्या बोल रहे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों को झूठी तसल्ली हम लोग नहीं देना चाह रहे बल्कि वैसा बोले। अगर वैसा रहता था तो 12 बजे के टाइम पे हम लोग को निकल के क्या बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बीपी खाली फ्लक्चुएट हो रहा, दूसरे हॉस्पिटल में अपन एडमिट करेंगे बोले। तो हम लोग कौन सा हॉस्पिटल पूछे तो रिंची ने तो बोलो बोले ठीक है, हम लोग अच्छी बातें बोले वो। उसके बाद इन क्या बोले वो भी कर सकते हैं, तो हम लोग इस वास्ते कर रहे हैं कंप्लेंट गई बोल। तो आज के दिन हमारी बहन गई, कल के दिन किसी और की बहन नहीं जाना। कौन है आप उनके? मैं भाई हूं उनका। आज अबाउट 5:30 टू 6 o'clock के टाइम पे यहाँ पे डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा बोल के यहाँ पे लेके आए और उनके हस्बैंड और उनके घर वालों को, और फिर अब 1-2 घंटे पहले इनका डेथ हुआ बोल के डॉक्टर्स इनको इन्फॉर्मेशन दिए। और इनका हस्बैंड और इनके रिलेटिव्स इनके डेथ के ऊपर डाउट एक्सप्रेस करें तो इसके लिए हम डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे मेडिकल एग्जामिनेशन और PME के लिए, और इसके ऊपर केस रजिस्टर करके हम इन्वेस्टिगेशन। सभी हॉस्पिटल में इनका डिलीवरी हुआ, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक रहा बोल के यहाँ पे लेके आए बोले। तो जो भी है टीम ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे एग्जामिनेशन करते डेड बॉडी के ऊपर, जो भी है रिजल्ट बाद में आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता है।